just a bodyguard. हाय एवरीवन, मैं रईस खान, आप सबका स्वागत करता हूँ साउथ इंडियन मूवीज पर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी फिल्में बताने वाला हूँ जिनकी स्टोरी से लेकर क्लाइमेक्स तक बहुत ही अच्छा है। अगर आप भी इन मूवीज के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है ताकि फ्यूचर के अंदर भी आपको ऐसी ही मूवीज की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए गाइस, अब वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5 पर है द गोस्ट। विक्रम नाम का एक ऐसे इंटरपोल फील्ड एजेंट जो कि अपने एंगर मैनेजमेंट इश्यूज यानी कि अपने गुस्से से और साथ ही नाइटमेयर से यानी कि बुरे डरावने सपनों से सफर कर रहा होता है और उसे सपनों के अंदर अपनी माँ दिखाई देती है जो कि दंगों के अंदर मारी गई थी। और इसी के साथ जब विक्रम को एक मिशन पर भेजा जाता है और उस मिशन के अंदर जब विक्रम एक बिजनेसमैन के बेटे को बचा रहा होता है तो उसकी लापरवाही की वजह से वो बिजनेसमैन का बेटा मारा जाता है। और ये इंसिडेंट होने के बाद धीरे धीरे विक्रम खुद को गिल्टी मानने लग जाता है और गुस्से में पागल हो जाता है और इसी वजह से वो अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया के साथ ब्रेकअप कर लेता है। చాలా దగ్గరగా చూశాను ప్రియా, लेकिन 5 सालों के बाद जब विक्रम को उसकी बहन का कॉल आता है तो उसके बाद जो विक्रम की लाइफ के अंदर चेंजेस होते हैं वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। गाइस, इस मूवी को देखते टाइम आपको ऐसा फील जरूर होगा कि नागार्जुन सर इंडियन वर्जन में जॉन विक है, क्योंकि मूवी के अंदर उनकी परफॉर्मेंस ही ऐसी है। बाकी मूवी के एक्शन सीक्वेंस आर डैम गुड और इसी के साथ सभी ने अपने अपने रोल को बखूबी जस्टिफाई किया है। मूवी के अंदर बोरिंग सीन बिल्कुल भी नहीं है। बाकी 2022 में इसे मिस्टरी एडवेंचर मूवी को रेटिंग मिली है 6.9 की। नंबर 4 पर है रामा राव ऑन ड्यूटी। रामा राव नाम का एक ऐसा फेयर और क्लीन सब कलेक्टर जो कि अपने काम को काम के तरीके से करता है, वो रिश्वत बिल्कुल भी नहीं लेता है और काफी होनेस्ट होता है और वो गवर्नमेंट के रूल्स को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता है क्योंकि उसे लगता है कि गवर्नमेंट के रूल्स की वजह से हमेशा ही लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और एक दिन जब रामा राव का ट्रांसफर उसके ही गाँव के अंदर कर दिया जाता है तो वहाँ जाने के बाद रामा राव को ये पता चलता है कि उसके गाँव के 20 लोग ऐसे है जो कि गायब हो चुके हैं और अभी तक वो घर वापस नहीं लौटे। और अब रामा राव उन्हें कैसे ढूंढता है यही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। गाइस, इस मूवी के अंदर रवि तेजा एक अलग ही और न्यू अवतार के अंदर है। बेसिकली हम सभी ने रवि तेजा सर को उनके मास्टर डायलॉग, पावरफुल एक्शन और औसम कॉमिक टाइमिंग वाली मूवीज के अंदर ही देखा है, लेकिन इस मूवी के अंदर उनका कैरेक्टर काफी अलग है जो कि सस्पेंस और क्राइम के पीछे भागता रहता है। इस मूवी के अंदर जो मिस्ट्री दिखाई गई है वो आपको पूरे तरीके से इस मूवी से एंगेज रखेगी। बाकी 2022 में इस एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी को रेटिंग मिली है 5.2 की और ये मूवी आपको सोनी लिव ऐप पर देखने को मिलेगी। नंबर 3 पर है मेजर। एक इंडियन आर्मी सोल्जर मेजर संदीप उन्नीकृष्णन अपनी लाइफ की सबसे बड़ी लड़ाई तब लड़ते हैं जब वो मुंबई की ताज होटल से कुछ होस्टेजेस को बचाने जाते हैं। दरअसल मुंबई की ताज होटल को कुछ आतंकवादी होते हैं जो कि हाईजैक कर लेते हैं और वहाँ के मौजूद लोगों को होस्टेजेस बना लेते हैं और इसी वजह से फिर संदीप उन्नीकृष्णन अपना मिशन रेडी करते हैं और उन्हें बचाने के लिए जो कुछ भी करते हैं वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। इस मूवी का सबसे बड़ा हाईलाइट और ब्रिलियंट पॉइंट है अदिवि शेष की परफॉर्मेंस, क्योंकि अदिवि शेष ने संदीप उन्नीकृष्णन का कैरेक्टर इतनी अच्छी तरीके से निभाया है कि आपको कहीं पर भी ऐसा फील नहीं होता है कि कोई एक्टर उनके कैरेक्टर को परफॉर्म कर रहा है, सब कुछ एकदम रियल लगता है। बाकी 2022 में इस एक्शन ड्रामा मूवी को रेटिंग मिली 8.2 की और ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। नंबर 2 पर है वीरूमान मुनियादी, जो कि एक ऐसा आदमी होता है जो अपनी फैमिली की रेपुटेशन और साथ ही पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। और अगर मुनियादी की फैमिली का कोई मेंबर किसी चीज को पाना चाहता है तो फिर मुनियादी उस चीज को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, वो कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकता है। क्या दोस्तों, ये एक टिपिकल गांव वाली स्टोरी है जो आपको कहीं न कहीं बोर कर सकती है। बाकी इस मूवी के अंदर काफी एंटरटेनमेंट मसाला है जो इस मूवी को एक बार देखने लायक बना देता है। बाकी 2022 में इस एक्शन ड्रामा मूवी को रेटिंग मिली है 4.9 की और ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी। तो 1 पर है आ अम्मई गुरिंचू मीकू चेपाली। नवीन नाम का एक ऐसा लड़का जो कि एक फिल्म मेकर होता है और उसे ऐसा लगता है कि ऑडियंस ब्रेनलेस होती है यानी कि उनके अंदर दिमाग नहीं होता है
और वे कंटेंट के नाम पर कुछ भी देख सकती है। दरअसल नवीन अपनी एक अगली फिल्म की तैयारी कर रहा होता है और जब उसे अपनी कुछ पुरानी फिल्म की फुटेज मिल जाती है तो फिर वो अपनी उसी फिल्म को बनाने की तैयारी में लग जाता है। लेकिन नवीन के लिए सबसे बड़ा टास्क ये है कि उसे अलेखा नाम की एक ऐसी लड़की को मनाना है जो कि उसकी फिल्म के अंदर काम करेगी। गाइज, इस मूवी का फर्स्ट हाफ आपको कहीं कहीं पर स्लो लग सकता है, लेकिन इस मूवी का सेकेंड हाफ और मेन क्लाइमेक्स बहुत ही अच्छा है। बाकी इस मूवी के अंदर कृति शेट्टी अपने एडोरेबल लुक्स, स्टाइल और साथ ही एक्टिंग से सभी का दिल जीत लेती है। मैं इतना श्योर हूँ कि इस मूवी को देखने के बाद आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा होगा। बाकी 2022 में इस ड्रामा रोमांस मूवी को रेटिंग मिली है 6.4 की और ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी। तो गाइज, ये थी वो साउथ की टॉप 5 बेस्ट अच्छी स्टोरी और क्लाइमेक्स वाली फिल्म है जो आपको डेफिनेटली वॉच करनी चाहिए। दोस्तों, करता हूँ कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो के अंदर ऐड की गई मूवीज भी। अगर आपको वीडियो के अंदर जरा सा भी कुछ पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।